स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं भारत का पड़ोसी देश भूटान के बारे में फुल जानकारी मिलने वाली है आपको। यूपी त्रिपुरा रस्सी पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। 5 मिनट का वीडियो होगा, सभी लोग देख लीजिएगा पूरा दिया गया है। पहली बात तो भूटान की अगर बात करें तो भारत के 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। क्या भैया? भारत के 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। कौन कौन से 4 राज्य हैं देख लीजिएगा। एक असम है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इन 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है, सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात करें भूटान की राजधानी की तो सभी लोग याद रखिएगा थिम्पू। बात करें करेंसी की तो नगल ट्रम। प्रांत कितने हैं तो 9। अगर बात करें वृक्ष की तो शाहरुखा। अगला क्वेश्चन दिया गया अगर फूल की बात करें राष्ट्रीय फूल तो नीला पोसला। अगर बात करें खेल की तो तीरंदाजी। भैया यहाँ का राष्ट्रीय खेल है क्या? तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन दिया है राष्ट्रगान की बात करें तो डुक सेन फेन। क्या होता? डुक सेन फेन यहाँ का राष्ट्रगान है। अगर बात करें धर्म की तो भैया याद रखिएगा क्या है धर्म, कौन सा है? सभी लोग बौद्ध धर्म, सभी लोगों को याद रखना है। अगर बात करें अगर हम पक्षी की तो भैया याद रखना वाटर हेन। क्या भैया? वाटर हेन, सभी लोगों को याद रखना है। अगर बात करें हम पशु की राष्ट्रीय पशु तो भी याद रखना है ताकिम। क्या भैया? ताकिम, सभी लोगों को याद रखना है। दिया गया सबसे लंबी नदी, अगर हम सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? मानस नदी। मानस नदी सभी लोगों को याद रखना है। अगला दिया गया अगर हम संसद की बात करें तो याद रखिएगा नेशनल असेंबली, सभी लोगों को याद रखना क्या हो जाएगा? नेशनल असेंबली याद रखिएगा सभी लोग। अगर हम बात करें भूटान का राजतंत्र, हिमालय पर बसा दक्षिणी एशिया का एक छोटा सा महत्वपूर्ण देश है, सभी लोग याद रखिएगा ठीक है। अगला दिया गया है अगर भूटान की भाषा की बात करें, भाषा की तो जोंडखा। क्या होता है? जोंडखा, सभी लोगों को याद रखिएगा। भूटान की अगर हम भाषा की बात करें भैया तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भूटान की राजधानी अभी बताई जाएगा थिम्पू, याद रखिएगा। यह दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जहाँ पर कोई भूखा नहीं रहता, याद रखिएगा। भूटान दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई भूखा नहीं रह सकता। अगला दिया गया है क्योंकि यहाँ की सरकार के द्वारा किसी को भी भूखा नहीं रहने की गारंटी दी गई है, सभी लोगों को याद रखना भैया, सभी लोगों को याद रखना है। अगला दिया गया है भूटान दुनिया का एकलौता देश है जो कार्बन निगेटिव है, याद रखिएगा। जो कार्बन ऐसा कौन सा देश है जो कार्बन निगेटिव है? तो भैया याद रखिएगा भूटान। क्या है? भूटान। अगला दिया गया भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर की लगती है, जिसमें 4 राज्य पड़ते हैं, असम आता है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा भूटान से लगती है, सभी लोगों को याद रखना है। तो भैया ये था आज भूटान के बारे में पूरा वर्णन, ये था भूटान के बारे में पूरा वर्णन यूपी ट्रिपल एससी के लिए। इससे ज़्यादा नहीं कहीं से पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा देश के बारे में, सभी लोगों को याद रखना है भैया, इसी में से पूछा जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।